ये बात फिर स्वागत है आपका आदि नेटवर्क में। दोस्तों मैं होमवर्क दली और आप देख रहे हैं आदि नेटवर्क। दोस्तों काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं तो माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं हूँ हमारे शेर गागरिया में और यहाँ से निकल रहा हूँ जालौर के लिए और अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से निकलूँगा। अभी रुके हैं 11:10 रुके हैं और 11:30 अभी ट्रेन आएगी और यहाँ से निकल जाऊँगा। एक बार फिर पानी ठंडा चालू तो अभी मैं 14 मई का टिकट भी लेके आ गया। मैं मतलब जो रेलवे स्टेशन पर आगे वाला छोर है ना वहाँ आ चुका हूँ क्योंकि जो लोग सब ज़्यादा पीछे हैं और वहाँ क्या कि पीछे वाले डिब्बों में ना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है और मैं सबसे आगे आया हूँ। यहाँ ठीक है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत कम उड़ी थी। ट्रेन भी आ चुकी है और लोग धीरे धीरे आगे की ओर आ रहे हैं क्योंकि पीछे ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है ना, धूल मिट्टी के डर की वजह से लोग सब आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ही आगे हूँ, अब धीरे धीरे लोग सब आगे आ गए हैं। हमारी ट्रेन भी आ गई है, अब मैं इस दीवार से उतर रहा हूँ और अपनी सीट बुक के लिए जा रहा हूँ। वैसे देख सकते हैं आप कितनी धूल मिट्टी, देखिए लोग ज़्यादा भीड़ हैं। हाँ मैंने सोचा था कि ट्रेन आगे तक आ गई और ट्रेन वहीं तक रुक गई, भाग कर हमें जाना होगा वापस। जाता है कभी बात ये चुका जब हमें ना सीट जो नहीं मिल पाई है कि हम आगे खड़े थे और ट्रेन पीछे रुक गई इसलिए हम सीट से वंचित रह गए, तो अभी हम फाटक नहीं खड़ा हूँ। अभी मैं आया हूँ बाहर बाड़मेर से और अभी मैं जाऊँगा बस स्टैंड और बस स्टैंड से मैं बस पकड़ूँगा जलूर की। अभी यहाँ से बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड के लिए को ऑटो पकड़ूँगा और क्या है कि जो पुलिस का एग्ज़ाम है और पुलिस का एग्ज़ाम क्या है कि यहाँ बस स्टैंड में ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ में क्या है कि बस मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं बस स्टैंड से सिंधी द्वारा जा रहा हूँ और सिंधी द्वारा मैं बाड़मेर से सिंधी के लिए निकला हूँ प्राइवेट बस में और सिंधी से आगे मैं कोई बस पकड़ूँगा जरूर के लिए। अलहमदिल्ला सीट मुझे मिल गई है प्राइवेट बस में, मैंने था मुझे गागरिया से बाड़मेर की ट्रेन में आया हूँ फाटकपुर खड़ा होकर, सीट नहीं मिल पाई। 5:20 हो चुके हैं और मैं साइलेंट ही हूँ, परेशान हो चुका हूँ। प्राइवेट बस नहीं आज मिली, गवर्नमेंट बस नहीं मिल पाई, आज गवर्नमेंट बस भी सब बंद है, इसलिए प्राइवेट बस में परेशान हो गया हूँ, बैठ बैठ के थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ। अब भी 1 घंटा लग गया, 6:30 बजे पहुँचेगी जा रहा हूँ, तब तक तो वेट करेंगे। तो फाइनली गाइस जब मैं पहुँच चुका हूँ जालौर के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में और अभी मैं फैक्ट्री के पास में ही हूँ। दोस्तों आने में बहुत परेशानी हुई, वैसे सिंध से लेकर और जालौर तक आने में बहुत बड़ी दिक्कतें आई में और वैसे काफ़ी अच्छा लगा, एक प्रॉब्लम होगी। वैसे मैं सिंध से 3:30 बजे चढ़ा था और अभी यहाँ 6:30 बजे उतरा हूँ, मतलब पूरे 3 घंटे लिए यहाँ सिंध से जालौर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करता है यहीं पे एंड और जल्दी मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।